हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल अध्ययन विद दीप्ति। आज का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माई सेल्फ दीप्ति महाजन। आई डिड एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड जेके सेट इन इकोनॉमिक्स। यू कैन जॉइन मी एट माई टेलीग्राम हैंडल अध्ययन विद दीप्ति। Also join me on Instagram and Facebook. For any query, just drop me a comment in the comment box. Also, you can contact me through my email ID, that is economicsimplified.in@gmail.com. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हमें हम सबको पता है अगर हमें कोई भी आउट प्रोड्यूस करना, लेट्स से हमें कोको कोला बॉटल प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या हो गया इस केस में? कोको कोला। इस कोको कोला की बॉटल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इनपुट चाहिए, ठीक है। तो हमें इनपुट जो चाहिए किसके लिए चाहिए? ताकि हमारा क्या हो, हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। और हमें जो इनपुट चाहिए हम उनको इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या कहने वाले हैं आपसे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारी प्रोडक्शन पे आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, उन्होंने क्या कह दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं? सबसे पहले हम उनको देखेंगे। सबसे पहले अगर स्लिट से आपका आउटपुट क्या माना हमने, एज्यूम किया दैट इज योर कोको कोला बॉटल। उस कोको कोला के बॉटल के लिए हमें क्या चाहिए थे? हमें सबसे पहले चाहिए थी लैब, जिसपे हमने क्या करना था, उस कोको कोला की बॉटल के लिए हमें क्या चाहिए थी? फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी थी। तो फैक्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड। तो सबसे पहला इनपुट आपका क्या आ गया? लैंड। फिर उसके लिए आपको क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। उस मशीनरी को हम क्या कहने वाले हैं? कैपिटल। क्या कहेंगे? कैपिटल। तो उस कैपिटल को, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। बॉटल को कैपिंग करनी है या आपकी जो भी मैनुअल वर्क है या मशीन को ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आ गया लेबर। लेकिन लैंड, कैपिटल और लेबर को कोई ऑर्गेनाइज भी तो करेगा, कोई उसको अपनी स्किल्स भी तो प्रोवाइड कर रहा है। हम एक जगह लेबर को लाके खड़े कर दे, वो पूरी फैक्ट्री नहीं चला सकती। हमें क्या चाहिए उसके लिए? हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इन सबको मैनेज करे। उसको हम क्या कहने वाले हैं? हम उसको कहने वाले हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हमारे यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या, अगर आपसे कोई भी पूछे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, तो हमारे आज से चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो आपको याद रखने हैं। नंबर वन इज योर लैंड, नंबर टू इज योर कैपिटल, नंबर थ्री इज योर लेबर एंड नंबर फोर इज योर एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों फैक्टर्स जब कंबाइन होंगे तो ये कौन से क्या थे हमारे इनपुट्स, जब ये कंबाइन हुए तो इन्होंने हमें क्या दे दिया? आउटपुट। क्लियर यहाँ तक? अब इन्हीं इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप है दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो फिजिकल इनपुट्स क्या थे हमारे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल इनपुट्स का क्या मतलब हुआ? जिन इनपुट्स को हम टच कर सकते हैं। आप लैंड को भी टच कर सकते हो, आप लेबर को भी टच कर पा रहे हैं, आप कैपिटल को भी टच कर पा रहे हैं, आप आपका एंटरप्रेन्योर को भी टच कर पा रहे हैं। जिसको भी आप टच कर रहे हैं, फिजिकल मतलब एक्चुअल वो प्रेजेंट है वहां पे, टैंजिबल है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल इनपुट। और फिजिकल आउटपुट क्या हो गया? आपने कोको कोला की बॉटल को जब टच किया तो आपको कुछ फील हुआ, तो जो वो भी कैसा आउटपुट है हमारा? टैंजिबल, दैट इज योर फिजिकल। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है बेसिकली? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? इन अदर वर्ड्स इट इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन दैट इज आउटपुट एंड द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर ही बताया कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही क्या कहा था? इनपुट्स। तो ये कहता है कि आपकी का रिलेशन है किसके बीच में? इनपुट एंड द आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए,
प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बोला कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार हैं। लेकिन हम फॉर सिंपलिसिटी क्या करेंगे, अब हम लैंड को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी भूल जाएंगे। अब हम किस पे फोकस करने वाले हैं, लेबर एंड कैपिटल पे, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है ये एज्यूम करने का, दैट इज द सिंपलिसिटी, सॉरी टू सिंप्लीफाई आवर सॉल्यूशन। हम अपने सॉल्यूशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसी इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप को इग्नोर करेंगे और हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, लेबर एंड कैपिटल पे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, इसी प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, QX, QX is your output of commodity X is equal to F is your functional relationship between your input, और input हमने क्या assume किया, L is your labor and K is your capital। Clear हुआ यहाँ तक? तो इसी चीज को आप एक बार फिर से रीड आउट करिए। प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कॉम्पिटिटी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फर्म प्रोडक्शन, दैट इज इट्स आउटपुट, एंड द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इनपुट। और हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे सिंप्लिसिटी सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो हैं, दैट इज योर लेबर एंड कैपिटल, एंड QX इज योर आउटपुट, एंड आउटपुट डिपेंड किस पे कर रहा है, लेबर और कैपिटल पे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन जो है, These are of two types. Number one, constant proportion type production function, and number two is the variable proportion type production function. इन types को discuss करने से पहले हम discuss करेंगे periods. ठीक है, economics में हमारे दो तरीके के periods होते हैं, that is your short run period and number two is long run. अगर आपका प्रोडक्शन इस तरीके का है कि आपका जो टाइम ले रहा है वो कैसा ले रहा है, अप टू वन ईयर, ठीक है, एक साल या उससे कम का पीरियड है, तो हम उसको क्या कहने वाले हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ योर शॉर्ट रन, ठीक है, अप टू वन ईयर। और अगर आपका आपकी प्रोडक्शन इस तरीके की है उसमें जो टाइम लगता है, दैट इज बियॉन्ड वन ईयर, तो आपका कैसा पीरियड हो जाएगा, दैट इज योर लॉन्ग रन। क्लियर यहाँ तक, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? अब क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और वो कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम अपने कुछ फैक्टर्स को फिक्स रख दें और कुछ को वेरिएबल रख दें, तो हमारा जो पीरियड होने वाला है, दैट इज योर शॉर्ट रन। कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है जो शॉर्ट रन है, दैट इज योर एक शॉर्ट पीरियड है, कुछ उस टाइम पे हम हर फैक्टर को वेरी नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स को हमें चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, आप इनिशियली क्या करेंगे, आप एक छोटा रेस्टोरेंट खोलेंगे, आपको अगर आपको उसकी चेन एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, आपको आपके रेस्टोरेंट को एक से लेकर दो तीन चार, मतलब आप उसको ज्यादा खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ टाइम का वेट करेंगे। तो आपने बेसिकली क्या किया, अपनी जो लैंड थी वो एक रेस्टोरेंट की, उसको फिक्स कर लिया कि मैं अप टू वन ईयर मैं उस लैंड को चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। तो एक साल के लिए आपने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, लेकिन आपकी मर्जी है कि आपका आपके पास क्या हो गया, आपके पास बहुत ज्यादा डिमांड आना स्टार्ट होगी कि फूड डिलीवरीज की, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कुक्स को ज्यादा हायर करना स्टार्ट कर देंगे, एंड कुक इन दैट केस इज योर लेबर। तो लेबर आपने क्या किया, आपके पास सपोज दो बंदे काम कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने पांच हायर कर ली, लेबर को आपने वेरी किया, लेकिन जो ये एक रेस्टोरेंट था उसको आप दो या तीन या चार के ऊपर नहीं लेकर गए, तो आपने क्या किया, आपके पास टाइम कम था, उसकी वजह से आपने क्या किया, आपकी लैंड जो थी उसको आपने फिक्स कर दिया, और लेकिन लेबर को
आपकी डिलीवरीज की डिमांड ज्यादा आना स्टार्ट हो गई, तो आपने क्या किया, लेबर को ज्यादा हायर करना स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट आपने किया क्या, आपने कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर दिया और कुछ को क्या कर दिया, वेरी कर दिया। तो जिस पीरियड में हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेंगे और कुछ को कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम कहेंगे शॉर्ट रन, क्लियर। और उसी तरीके से आपका लॉन्ग रन क्या होगा, लॉन्ग रन पे आपके पास 1 साल से ऊपर का टाइम है, आपको पता है आपकी सेल्स अच्छी है। अगर अब आप नया रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो लैंड आपने शॉर्ट रन के अंदर एक ही रेस्टोरेंट तक रिस्ट्रिक्ट की थी, अब आपने उसको क्या किया, 2 या 3 रेस्टोरेंट खोल दिए, लैंड को भी आपने वेरी होने दिया। तो इस समय क्या किया, लॉन्ग रन में आपने सारे फैक्टर्स को क्या किया, वेरी किया, या तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमने क्या देखा, हमने देखा 2 तरीके के पीरियड्स होते हैं हमारे। नंबर 1 इज योर शॉर्ट रन एंड नंबर 2 इज योर लॉन्ग रन। शॉर्ट रन कैसा पीरियड है, अप टू 1 ईयर, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है, कुछ क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। लॉन्ग रन क्या है, बियॉन्ड 1 ईयर, इसमें क्या हो रहा है, कुछ फैक्टर्स आपके क्या हैं, वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू ना हो। अब हम बात करेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन की। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। आपकी फर्म कितना प्रोड्यूस करती है, दैट इज योर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोको कोला फैक्ट्री की बात की। अगर एक कोको कोला फैक्ट्री जो है वो 10,000 बॉटल्स ऑफ कोको कोला पर डे प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, आपकी कोको कोला फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, दैट इज योर 10,000 बॉटल्स पर डे। और इसी को हमने क्या कहा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोको कोला फैक्ट्री। और अब आपको याद रखना है कि कोई भी फैक्ट्री है, या तो उसमें हाई प्रोडक्शन होगी या क्या होगी, लो प्रोडक्शन। अगर कोई भी फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि उसमें प्रोडक्शन कैसी है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपकी जो फैक्ट्री है दैट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, जहां पे क्या हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। और अगर हम कहें आपकी फैक्ट्री कैसी है, जहां पे कम प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज लो प्रोडक्शन, उस केस में हम क्या कहेंगे कि आपकी फैक्ट्री कैसी है, दैट इज योर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ। अब हम टाइप्स पे आते हैं। हमने देखा था कि हमारे 2 तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इज योर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन एंड नंबर 2 इज योर वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा है दैट इज योर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ कि जो चीज वेरी नहीं करेगी। और प्रोपोर्शन का हम सब जानते हैं कि एक परसेंटेज में बात करें, एक रेशो में बात करते हैं। तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जहां पे ऑल इनपुट्स जो है आपके, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस पे यूज कर रहे हैं, वो हम एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पे यूज करेंगे। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा आउटपुट का लेवल क्या है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर आउटपुट लेवल, हमारे जो इनपुट्स हैं वो हम क्या करने वाले हैं, एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसी को अगर आप एक बार रीड आउट करिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन ऑल इनपुट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन सम कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन
नो मैटर वॉट द लेवल ऑफ आउटपुट इज, आपको इस डेफिनेशन पे फोकस किस पे करना है? ठीक है, सबसे पहले ऑल के सारे इनपुट जो हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे यूज होंगे। ठीक है, आप आउटपुट लेवल को इस टाइम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आपका जो मर्जी आउटपुट लेवल होने वाला है। ठीक है, आप जितने भी आपके इनपुट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे यूज करेंगे। इस तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन। अब इसी चीज को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने क्या किया था, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमने लिखा था क्यू इज इक्वल टू एफ एल के। ये दो हमने फैक्टर्स ऑफ इनपुट लिए थे, दैट इज योर लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कह रहा है कि आपका आउटपुट जो मर्जी हो, हम क्यू को अब नहीं देखने वाले। ठीक है, हमारा आउटपुट जो मर्जी हो, हमारे जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स क्या है आपके, लेबर एंड कैपिटल, दोनों इनपुट्स जो हैं, या अगर और कोई इनपुट भी होता, जितने भी आपके इनपुट्स हैं वो क्या होंगे, वो हम यूज करेंगे इन सम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपनी लेबर 4:2, अगर आप क्या कर रहे हैं, आपके जो इनपुट्स है दैट इज लेबर एंड कैपिटल, आप उनको एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी प्रोपोर्शन इज व्हाट, प्रोपोर्शन इज रेशियो। आपने छोटी क्लासेस में प्रोपोर्शन एंड रेशियो रेशियो पढ़ा होगा, तो प्रोपोर्शन को हम रेशियो से डिवाइड कर दे, दैट इज न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे हम इसको लिख सकते हैं। तो कहता है कि जो आपका लेबर एंड कैपिटल, जो इस केस में आपके इनपुट्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में यूज करेंगे। जो मर्जी आपका आउटपुट हो, आप आउटपुट को इस स्टेज पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो लेबर एंड कैपिटल को फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, करते हैं 5:1 के हिसाब से यूज करते हैं। सपोज आपकी एक मशीन है, ठीक है, आप उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 5 लेबर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ये रेशो है, ठीक है, 5 लेबर यूज करेंगे पर मशीन, वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर हुआ यहाँ तक, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट इज योर कांस्टेंट टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर, अगर मेरा आउटपुट चेंज होगा तब भी मैं इस रेशियो को चेंज नहीं करने वाली। ठीक है, सपोज मेरा आउटपुट चेंज होता है तो ऑब्वियस है ना, मुझे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा लेबर चाहिए और ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो उस ज्यादा लेबर और कैपिटल का मतलब क्या होगा, अगर सपोज मुझे अपना आउटपुट 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, अब मेरे को 50 यूनिट प्रोड्यूस करना, तो ऑब्वियस है मुझे इस 10 to 50 पे शिफ्ट होने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा लेबर भी चाहिए और ज्यादा कैपिटल भी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको आपको आउटपुट के लिए लेबर और कैपिटल तो बढ़ाना है, उसने ये नहीं बोला आपको कैपिटल और लेबर नहीं बढ़ाना। वो कहेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ाने हैं, लेकिन जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने हैं उसको आपको क्या करना है, एक रेशियो पे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 5:10 था, मुझे जो अपने नया इनपुट चाहिए वो सपोज 3 टाइम्स है, 15:5:3। देखिए अब भी क्या हो रहा है, अब भी लेबर एंड कैपिटल, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 15/3, 3 1s are 3 5s are, तो अगेन 5:1, मेरा प्रोपोर्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज तो किए, लेकिन प्रोपोर्शन मेरा वो ही रहा जो 5:1 पहले डिसाइड किया था मैंने। क्लियर, और अगर मेरा क्या है, सपोज मेरा स्टार्टिंग में क्या मैं यूज कर रही थी, 15 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रही हूँ और 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रही हूँ। कोरोना आ गया, मुझे क्या करना पड़ा, अपनी सप्लाई को, अपनी प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। तो उस केस में मैंने क्या किया, अब कुछ लेबर को मैं निकाल दूंगी जॉब से, कुछ कैपिटल मेरी स्पेयर हो जाएगी, उसको प्रोडक्शन से अलग कर दूंगी मैं। तो अब मैंने क्या किया, सपोज अब मैंने यहां से कम किया, और अब अगर मैं आ गई 10:2, 10 लेबर यूज कर रही हूँ और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रही हूँ, और अगर आप इसको फिर से डिवाइड करें, 10/2, 5:1, मेरा प्रोपोर्शन आप देखिए फिर से डिस्टर्ब नहीं हो रहा।
तो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन में आपको क्या रखना है, याद रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आउटपुट ऑल द इनपुट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन सम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? यहां तक आई होप आपको समझ आया हो। अब जो दूसरा है दैट इज योर वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। मैं यहाँ पे पीएफ लिख रही हूँ प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। प्लीज आपको हमेशा याद रखना है ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको एग्जाम्स में कभी यूज नहीं करनी। क्लियर? तो अब हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस कर, ठीक है। अब वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे हमने कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में क्या देखा था कि हमारा जो इनपुट्स की रेशियो है, अगर मैं 5:1 एज्यूम कर रही हूँ तो वो 5:1 ही होने वाली है। लेकिन वेरिएबल टाइप वो कहता है कि अगर सपोज इनिशियली मेरा आउटपुट जो था वो 10 यूनिट्स था, ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा लेबर लगा 5 और जो मेरी मशीन थी वो एक एक यूनिट मैंने यूज की, दैट इज लेबर इज टू कैपिटल 5:1 की रेशो में यूज हुआ। लेकिन अगर मुझे आउटपुट को बढ़ाना है, सपोज मुझे अब कितना 20 यूनिट प्रोड्यूस करना है, इस 20 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं अपना लेबर और कैपिटल को इसी रेशो में यूज करूं। मैं अब ऐसा भी कर सकती हूँ कि जो मेरी लेबर है मैं उसको 5 ही रखूं, लेकिन मैं कैपिटल को 2 यूनिट्स कर लूं। ये भी तो कर सकती हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं या लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी तो एक लाएगा ना फर्म में, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट यूज होगा, इंक्रीज होगा सॉरी। अब मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो फोली की इस पे है प्रॉफिट पे। अगर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कैपिटल को इंक्रीज करने से, तो मैं लेबर को इंक्रीज क्यों करूँ, ठीक है। मेरे को लेबर को इंक्रीज करने पे कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप यही कहता है कि हमारे जो इनपुट्स हैं हमें उनको फिक्स प्रोपोर्शन पे यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उनको क्या करने वाले हैं, हम उनको वेरी करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई इशू है? इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, मैं आउटपुट को कंसिडर करके अपने जो फैक्टर्स ऑफ इनपुट है उनको वेरी करूंगी। अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है, डिपेंड करेगा मुझे कितने यूनिट्स आउटपुट बढ़ाना है, मैं उस हिसाब से अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी करने वाली। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू? तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन और वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम इन दोनों के डिफरेंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, हमने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से कंसीडर किए हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या कहेगा कि जो लेबर और कैपिटल जो आपके इनपुट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है, उनकी जो वेक्टर रेशियो है, आप उनको क्या करने वाले हैं, आप उनको कॉन्स्टेंट रखेंगे। जो भी आपका आउटपुट हो उस पे डिपेंड नहीं करेगा, हमारा जो हमने क्या करना है, हमने इस रेशियो को कांस्टेंट रखना, दैट इज एल अपॉन के को हमने कांस्टेंट रखना है। क्लियर यहाँ पे? तो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप इसके कॉन्ट्रेरी क्या कहता है कि हमारा जो एल अपॉन के है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज करेगा। जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे आपका जो क्या है, आपकी जो फैक्टर रेशियो है दैट इज एल अपॉन के, वो भी चेंज होगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ने क्या कहा कि मेरा अगर एल अपॉन के 5:1 है, ठीक है, मुझे इसको मेंटेन रखना है। अगर मुझे अपना आउटपुट बढ़ाना है तो मुझे दोनों को बढ़ाना पड़ रहा है। सपोज मैं अगर इसको 10 करूं और इसको 2 करूं, ठीक है, क्योंकि 5:2 रहा, ठीक है, तो मेरा रेशियो तो सेम रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट तो बढ़ेगा अगर मैं लेबर और कैपिटल को बढ़ा रही हूँ, ऑब्वियस है ना मेरा आउटपुट बढ़ेगा। तो कहता है कि मेरा आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज किया लेकिन
इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ ऑल द इनपुट, मेरा लेबर भी बढ़ा और मेरा कैपिटल भी बढ़ा, लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कह रहा है वो कि अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है लेकिन मेरा अगर लेबर इज टू कैपिटल 5:1 था, मुझे इसको मेंटेन नहीं करना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सपोज कैपिटल को ही बढ़ा लूँ, मैंने कैपिटल को जब बढ़ाया मेरा आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट बढ़ा सिर्फ कैपिटल को बढ़ाने से, तो ये यही बोल रहा है आउटपुट इज सॉट टू बी इंक्रीज बाय इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ सम वेरिएबल फैक्टर ओनली। ठीक है, मैंने लेबर को नहीं बढ़ाया तो एक को ही बढ़ाया, दैट इज सम वेरिएबल फैक्टर ओनली। अब थर्ड पॉइंट इज योर द स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आपके सारे यूनिट्स जो हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी एंटायर प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी चेंज हो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जरूरी नहीं है चेंज हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका एक फैक्टर हमने कांस्टेंट एज्यूम किया और एक ही तो वेरी कर रहा है उसमें, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, जैसे लैंड एंड कैपिटल के, सॉरी लेबर एंड कैपिटल के केस में हमने एज्यूम किया कि हमारा सपोज लेबर जो है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन हमारी जो कैपिटल है दैट इज वेरी कर रही है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपकी फर्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जरूरी नहीं है वो चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंसेस क्या याद रखने हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में जितने भी आपके इनपुट्स हैं, मतलब वहां पे क्या होगा, उनका फैक्टर रेशियो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टर रेशियो क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा बाय द इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ ऑल द इनपुट्स। वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा बाय द इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ सम वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो चेंज हो सकता है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे क्या होगा, स्केल ऑफ आउटपुट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया हो। आज के टॉपिक में हमने बेसिकली क्या, किस पे फोकस था हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन हमने कवर किया, प्रोडक्शन फंक्शन की हमने टाइप कवर की, टाइप्स कौन कौन सी थी, कॉन्स्टेंट टाइप्स प्रोपोर्शन फंक्शन, और दूसरा क्या था, वेरिएबल। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। और आज के लिए आपका जो होम असाइनमेंट है वो क्या है, जो भी आज हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उसको प्लीज अपने बेसिस पे एक बार बुक से पढ़िए, जो भी आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं उसे एक बार आप उनको रिवाइज करिए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इजिली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली मेल मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड